चलिए, थर्ड ईयर मैथ्स आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर टू। पेपर टू का चल रहा है यूनिट फोर। ठीक है, यूनिट फोर है सम्मिश्र समाकल यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग कर रहे हैं कोशी गुणसा प्रमेय। ठीक है, तो मैंने लगभग आधा आपको थ्योरम पिछली क्लास में करवा दिया था, बाकी का जो हम लोग आज कर रहे हैं। तो कोशी गुणसा प्रमेय जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिए। कोशी गुणसा प्रमेय कहता है कि अगर मेरा कोई सम्मिश्र फलन fz है और किसी समवर्त कंटूर c पर, ठीक है, यानी कि किसी जो है समवर्त कंटूर c पर वो विश्लेषिक भी है, ठीक है, विश्लेषिक है, तो उसका इस कंटूर पर जो है समाकल, ठीक है, इस कंटूर पर समाकल जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें पता है कौन सा है, ये है। अगर ये शब्द न हो, अगर संवर्त न हो, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, जब क्लोज्ड कंटूर होता है और उसमें हमारा फंक्शन जो है वो विश्लेषिक यानी एनालिटिक होता है, तब जो है ये परिस्थिति बनती है। तो हम लोग शुरुआत इसी से कर रहे हैं। तो अब जो है जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब कोशी का जो प्रमेय था, ठीक है, समाकलन प्रमेय था, उसमें हमारे पास ये भी था कि मेरा f'z जो है वह सतत था, तो मैं वहां पे कोशी रीमान समीकरण जो है वो यूज करके सीधा मैंने ये ज्ञात कर लिया था। लेकिन जबकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जो है क्या है, मेरा fz जो है वो विश्लेषिक है, इतना ही दिया हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए ये किया था कि एक जो है यहाँ पर कैंटूर सी को मैंने ऐसे वर्गों, पूर्ण वर्गों और आंशिक वर्गों में जो है इस तरह से विभाजित कर दिया था। ठीक है, विभाजित कर दिया था। तो यहाँ पे जो है ये है आपके, ये जो बन रहे हैं ये आपके बन रहे हैं सी एन और ये आपके बन रहे हैं डी एम। ठीक है, डी एम जितने भी बन रहे हैं सी एन और ये बन रहे हैं आपके डी एम। अगर आर लिखूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि आर की वैल्यू 1 से n तक और आर की वैल्यू जो है 1 से m तक जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इसमें जो है यहां तक मैंने आपको सॉल्व करा लिया था कि जो मेरा इंटीग्रल है सी fz dz, इसका जो मॉड्यूलस है, ठीक है, इसका मॉड्यूलस है वो जो है लेस देन इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे इंटीग्रेशन cr, और इसके अंदर आ जाएगा मॉड्यूलस में z माइनस z0 और मॉड्यूलस ऑफ जीटा और मॉड्यूलस ऑफ dz, और प्लस दूसरा समेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 to m इंटीग्रेशन dr z माइनस z0 और मॉड्यूलस ऑफ जीटा और मॉड्यूलस ऑफ dz। ठीक है, इस तरह से। अब जो है हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जीटा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे। और फिर जो है z माइनस z0 और dz जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबके सब एक साथ करेंगे, तो उसके लिए जो है मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरे वर्ग बन रहे हैं ना, ये बीच वाले, वो क्या एक बिल्कुल एक तरीके के बन रहे हैं, अलग अलग साइज के नहीं बन रहे, बिल्कुल समान वर्ग बन रहे हैं, एक जैसे बन रहे हैं। तो उन वर्गों के मैं मान लेती हूँ कि जो सी आर वर्ग बन रहे हैं ना, उनकी प्रत्येक वर्ग की जो है भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, और जो और उनका क्षेत्रफल कितना है, ए आर जितना है। ठीक है, एल आर है और ए आर। ठीक है, और जो दूसरे बन रहे हैं ना डी आर, जितने बन रहे हैं उनमें जो है उनके वर्गों की लंबाई जो है मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए कि एल आर डैश है। एल आर डैश में इसलिए अलग से लिख रही हूँ क्योंकि सब जगह अलग अलग है, कहीं पे वो वर्ग की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई कहीं पे इतनी है तो कहीं पे इतनी है। ठीक है, तो कहीं पे इतनी है, तो इस वजह से जो है मैं उसको एल आर डैश अलग ही नाम दे रही हूँ। ठीक है, और जो उसके वक्रीय भाग होगा, ठीक है, उसके वक्रीय भाग होगा उसको हम लोग नाम दे देंगे एस आर। तो सबसे पहले जो है ये काम करते हैं कि माना माना वर्ग सी आर
भुजा की लंबाई एल आर तथा तथा क्षेत्रफल ए आर है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन को नाम भी दे सकते हो, जैसे एक इक्वेशन आपने 1 2 और यहां पे जो है इसको नाम दे सकते हो 3। ठीक है, 2 वाली वो थी जिसमें सब अलग अलग इंटीग्रेशन लिखे थे, वो वाली 2 नंबर इक्वेशन थी। और दूसरा तथा dr के लिए भी मान लेते हैं, आंशिक वर्ग dr, आंशिक वर्ग dr की भुजा की लंबाई एल आर डैश तथा तथा क्षेत्रफल ए आर डैश है। ठीक है, तो यहां पे जो है z माइनस जेड जीरो, तो जेड जीरो भी जो है वो क्या है, इस वर्ग के अंदर ही कोई बिंदु है। ठीक है, इस वर्ग के अंदर ही कोई बिंदु है, तो उनके बीच में दूरी z और z जीरो के बीच में, z तो फिक्स है, कोई नंबर होगा यहाँ पे फिक्स नंबर होगा, और कोई भी जो है नंबर z, उन दोनों के बीच में की दूरी जो है, ठीक है, z माइनस z जीरो बीच की दूरी, मॉड्यूलस लगा दिया तो दूरी बन गई, वो जो है लेस देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी, रूट टू इंटू एल आर, जो कि क्या है कि वर्ग सी आर के, वर्ग सी आर के कर्ण की लंबाई, वर्ग सी आर के कर्ण की लंबाई। अब डी आर के लिए देखते हैं, जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा यहां पे, रूट टू और एल आर डैश यानी कि वर्ग डी आर के कर्ण की लंबाई, रूट टू एल आर, आप जानते हैं ना किस तरह से आया, देखिए ये भी एल आर ये भी एल आर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू एल आर। ठीक है, ये भी एल आर वो भी एल आर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू एल आर। तो यहां पे जो है इतना मान लिया, चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग, किसमें, हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें यूज करते हैं। क्या है, वर्ग सी आर की लंबाई जो है कितनी, एल आर जितनी, और उसका क्षेत्रफल कितना है, ए आर जितना, आंशिक वर्ग जो बन रहे हैं डी आर, उसमें जो है भुजा की लंबाई एल आर डैश, और उसका क्षेत्रफल कितना है, ए आर जितना। ठीक है, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी यानी जेड माइनस जेड जीरो के बीच की दूरी जो है हमेशा क्या होगी, अब देखिए ये पूरा वर्ग है, यहाँ पे कहीं पे जो है बिंदु अगर जेड जीरो है, तो कोई बिंदु अगर यहाँ पे जेड ले लेते हैं, तो उसके बीच की दूरी, ठीक है, उसके बीच की दूरी हमेशा उसके बीच जो कर्ण आ रहा है, ठीक है, इसके मध्य जो है ये कर्ण है, उससे हमेशा कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, यानी इतना बड़ा ये नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा जो है ये नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे कि z माइनस जेड जीरो इज लेस देन और इक्वल टू रूट टू एल आर, और z माइनस जेड जीरो लेस देन और इक्वल टू रूट टू एल आर डैश। ठीक है, ये आ गया। अब इसका यूज जो है हम अपनी यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी लिखी है 3 की, उसमें कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कर लेते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि लेस देन, पहले तो है जीटा क्या है, जीटा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, और जेड माइनस जेड जीरो क्या है, रूट टू एल आर, तो ये हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे जो है ये जो हो जाएगा रूट टू एल आर लेस देन इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं कि जीटा जो है वो क्या है, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये सी आर, और ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ डी जेड। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ
डीजेड यहां पर, और प्लस दूसरा यहां पे समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एम, और ये हो जाएगा रूट टू एल आर डैश और एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा डी आर और मॉड्यूलस ऑफ डी जेड। ठीक है, अब यहां पे जो है इंटीग्रेशन और मॉड्यूलस ऑफ डी जेड का मतलब होता है कि उस वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो लिखेंगे कि अब सी आर और मॉड्यूलस ऑफ डी जेड इज इक्वल टू वर्ग सी आर का परिमाप, और परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू एल आर। ठीक है, 4 इंटू एल आर, इसको इक्वेशन नंबर जो है हम लोग यहाँ पे 4 दे सकते हैं। ठीक है, 4 दे सकते हैं, और ये डी आर और मॉड्यूलस ऑफ डी जेड इज इक्वल टू वर्ग डी आर का परिमाप। अब वर्ग डी आर का परिमाप तो लिखते हैं, लेकिन एक यहाँ पे चीज ये आ जाती है कि इसका वक्रीय भाग भी आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एल आर डैश और प्लस एस आर। ठीक है, 4 एल आर डैश प्लस एस आर, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि लिखेंगे कि जहां जहां एस आर डी आर में कैंटूर का वक्रीय भाग है, कैंटूर का वक्रीय भाग है। ठीक है, कैंटूर का वक्रीय भाग है, ठीक है, यहां पे जब मॉड्यूलस ऑफ डी जेड इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा इसका परिमाप यानी कि ये, ठीक है ये, और जब मॉड्यूलस इंटीग्रेशन डी आर मॉड्यूलस ऑफ डी जेड करते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे जो है ये भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी यूज कर लेते हैं, तो इस समेशन के अंदर जो है ये भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे जो है पहली जो है ये लाइन जो है मिटाकर यहाँ पे लिख रही हूं, तो जिसका मान है कितना 4 एल आर, क्योंकि दिस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन रूट टू एल आर एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 4 एल आर। ठीक है, और प्लस समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एम रूट टू एल आर डैश एप्सिलॉन 4 एल आर डैश प्लस यहाँ पे हो जाएगा एस आर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे एस आर। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये रूट टू और एप्सिलॉन जो है वैसे भी जो है हमारे आर से फ्री है, तो उनको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, उनको बाहर ले लेते हैं, और बाकी जो है देखते हैं कि उसका मान जो है वो क्या आना चाहिए। दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट टू, और ये एप्सिलॉन आगे बाहर, और समेशन आर इज इक्वल टू, और फोर भी आ गया, सॉरी फोर रूट टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन टू एन, और ये हो जाएगा एल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एल आर स्क्वायर, और प्लस समेशन आर इज इक्वल टू समेशन के बाहर जो है हम लोग ले लेते हैं ये रूट टू और एप्सिलॉन, और समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एम, और यहाँ पे हो जाएगा एल आर स्क्वायर एल आर डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि एल आर डैश और एस आर। ठीक है, एल आर डैश और एस आर। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने यही काम किया है। अब आप देखेंगे कि एल आर स्क्वायर यानी कि एक वर्ग का जो है ये क्षेत्रफल, और इतने सभी सारे जो है वर्ग अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, जितने भी पूर्ण वर्ग बन रहे हैं उन सभी वर्गों का जो है क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, तो सबसे पहले जो है ए आर लिखते हैं यहाँ पे, और वहां पे जो है ए आर डैश लिखते हैं, और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये आ गया 4, आगे जो है ये 4 आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये आ जाएगा 4। अब जो है इन दोनों को जो है मैं एक साथ
ले लेती हूँ। लेसर इक्वल टू 4√2 एप्सिलॉन समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, और ये एल आर डैश समेशन आर इज इक्वल टू 1 to m, और ये एल आर, ये एल आर का स्क्वायर, ये एल आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये एल आर डैश का स्क्वायर, और प्लस जो है ये जो समेशन है रूट टू एप्सिलॉन और समेशन आर इज इक्वल टू 1 to m, और यहां पे मैं ले लेती हूँ एल आर डैश और एस आर, एल आर डैश एस आर, ठीक है, सबको अलग अलग ले लिया। ये जो है आप जानते हैं ये बनेगा ए आर और ये बनेगा ए आर डैश, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 4√2 एप्सिलॉन और समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा ए आर, और समेशन आर इज इक्वल टू 1 to m, ये बन जाएगा ए आर डैश, ठीक है, ये बन जाएगा ए आर डैश, और यहां पे जो है ये होगा समेशन, पहले आ जाएगा √2 एप्सिलॉन समेशन आर इज इक्वल टू 1 to m एल आर डैश और एस आर, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग कैंटूर की जो है लंबाई, ठीक है, कैंटूर की लंबाई जो है डिसाइड कर लेते हैं। इसको जो है और उसका क्षेत्रफल भी जो है हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो कंटूर को जो है पूरा अंतरिष्ट करता हो। तो लिखेंगे कि माना कंटूर सी की लंबाई, यानी ये जो पूरे कंटूर बन रहा है हमारा, इसकी लंबाई जो है कितनी है, एल है, तथा कंटूर सी को अंतरिष्ट करने वाला, कंटूर सी को अंतर्विष्ट करने वाला है, वर्ग करने वाला वर्ग, करने वाले वर्ग की भुजा की लंबाई स्मॉल ए है, स्मॉल ए, तथा क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो मेरी दी हुई इक्वेशन, ठीक है, दी हुई इक्वेशन जो है उसको जो है मैं नाम दे देती हूँ। इससे पहले वाली को मैंने क्या नाम दिया था, ये 3 नहीं था, 3 तो इसको दिया था, इसको नाम अगर मैं 4 दे दूं, तो इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज modulus of c fz dz is less than equal to 4√2 epsilon तो है ही। फिर ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, ये a बन जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे a, क्योंकि less than equal to a होंगे, equal to नहीं होंगे, क्या होंगे कि ये जो क्षेत्रफल है किसका, ये कैंटूर c द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो इसको अंतर्विष्ट करने वाला वर्ग, ठीक है, ये वर्ग भी मैं बना लूं, ये अंतर्विष्ट करने वाला वर्ग, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है आपके a, और इसकी जो है भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a जितनी, ठीक है, स्मॉल a जितनी, और प्लस यहाँ पे जो है जब इसकी भुजाई की लंबाई जो है वो स्मॉल a जितनी है, तो इसको जो है जो एल आर डैश होगा आपका, ठीक है, एल आर डैश क्या होगा, वो लेस देन a होगा, ठीक है, ये एल आर डैश यानी कि जो इसके आंशिक वर्ग की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, लेस देन a जितनी हो जाएगी। तो ये इसमें से जो है, ये समीशन में से जो है आपके एल आर भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कि रूट टू और ये एप्सिलॉन और a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल आर डैश इज लेस देन a और वहां पे हम लोग इनइक्वालिटी ही ले रहे हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 1 to m और ये हो जाएगा SR, ये हो जाएगा SR। तो यहाँ पे जो है ये सारी जो ये SR जो है कौन से है? ये वाली है, छोटी छोटी सी जो है ये चापे बन रही है इसकी, ये वाली होगी। तो ये पूरी अगर हम मैं जोड़ दूं,
तो ये पूरी मुझे मिलेगी कंटूर सी की लंबाई। तो ये हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू 4 एप्सिलॉन, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मिटा देती हूं मैं, 4√2 एप्सिलॉन ए प्लस √2 एप्सिलॉन ए, और ये हो जाएगा एल। ठीक है, इससे बाकी किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एप्सिलॉन से लेना देना है। तो ये 4√2 ए, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, कोई फिक्स होगी, लेकिन एप्सिलॉन क्या है, वह स्वच्छ है। एप्सिलॉन क्या है, वह स्वच्छ है। तो जैसे जो है एप्सिलॉन जो है वो जीरो की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन जो है वो जीरो की तरफ अग्रसर होगा, यहाँ पे जो है मेरा मॉड्यूलस जो है वो सी, वो क्या बन जाएगा, वो जो है वो लेस देन जीरो। लेकिन लेस देन जीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो। तो यानी कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। तो देखिए ये किस तरह से आ गया, ठीक है, किस तरह से आया कि यहाँ पे जो है मैंने ये सिद्ध कर लिया, ये मैंने सिद्ध कर लिया कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड इज इक्वल टू जीरो।